तो ये व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपकी अकाउंट की रीच होती है एकदम से डाउन होती जा रही है, यानी कि आपकी व्यूज़ भी डाउन हो रहे हैं और आपकी जो फॉलोअर्स हैं वो भी यहाँ से ड्रॉप होते जा रही है। जाहिर सी बात है यार, आपकी रीच डाउन होगी तो आपके फॉलोअर्स भी डाउन हो गए और यहाँ से जो आपके फॉलोअर्स होते हैं यदि आपकी व्यूज़ कम आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, यहाँ से आपकी व्यूज़ को देख के एकदम आपके अकाउंट को फॉलो कर देंगे। सभी की रीच एकदम से डाउन होती जा रही है, माइनस में जा रही है। पहले अच्छी खासी होती थी, अब यहाँ से डाउन हो रही है। ये क्यों हो रही है यार, इसका कुछ रीज़न तो होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इसका रीज़न क्या है, आपके अकाउंट में रीच एकदम से डाउन क्यों हो जाती है। 15-20 दिन तक तो ठीक था, पर यहाँ से 10-5 दिन से अंदर ही अंदर, यानी कि एक हफ्ते के अंदर मेरे अकाउंट की जो रीच है वो डाउन होती जा रही है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है और आपको कुछ ऐसे मेन रीज़न भी बताने वाला हूँ। यदि आपके अकाउंट की जो रीच होती है वो डाउन होती है तो क्यों होती है, इसके रीज़न क्या है, वो भी आपके मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना यार, लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंस्टाग्राम से रिलेटेड वो सारे आपको उस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कर स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यार मेन रीज़न जान लेते हैं कि आपकी रीच डाउन क्यों होती है। आपकी रीच डाउन इसलिए होती है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप यहाँ से रेगुलर वीडियो नहीं डालते हो। आपको सभी को पता होगा यार, इंस्टाग्राम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर यानी कि एक दिन में कई करोड़ों यहाँ से रील्स अपलोड होती है। अब उसमें से यहाँ से आप क्या कर रहे हो कि एक दिन तो आपने डाल दी, अब आप क्या करते हो एक हफ्ते बाद करते हो। इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपके अकाउंट पर यहाँ से वर्क नहीं करता है। इंस्टाग्राम वही लोगों को यहाँ से प्रमोट करता है या आगे प्रमोट करता है लोगों को जो यहाँ से कंसिस्टेंसी यानी कि रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, रोज़ रील्स अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिदम इसी तरह से यार इंस्टाग्राम का काम करते हैं। यदि आप रोज़ वीडियो नहीं डालोगे, चलो रोज़ नहीं डालते, महीने में यहाँ से यानी कि आप यहाँ से 2 दिन में डाल सकते हो, 2 दिन यानी आज डाल दी कल छोड़ के आप परसों डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम के आप एल्गोरिदम में रहोगे और यहाँ से इंस्टाग्राम आपकी एक न एक वीडियो तो यहाँ से मिलियंस में पहुँचा ही देगा, मिलियंस में नहीं यार चलो लाखों में तो पहुँचा ही देगा। यहाँ से आपको क्या करना है, बस कंसिस्टेंसी यहाँ से रील्स अपलोड करनी है। कभी भी यहाँ से अपने अकाउंट को शैडो बैन नहीं होने देना है। शैडो बैन का मतलब यह है कि आप अपने अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी जो रीच होती है जो यहाँ से अच्छी खासी होती थी पर यहाँ से एकदम डाउन चली जाती है। इसका कारण यह है कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है। तो दोस्तों अगर यहाँ से रील्स अपलोड नहीं करते हो, इनएक्टिव रहते हो, तो यहाँ से आपको दो नुकसान हो जाते हैं। एक तो आपकी रीच डाउन होगी, ऊपर से जो आपके फॉलोअर्स भी होंगे यानी कि 5,000-10,000 जो भी आपने फॉलोअर्स गेन कर रखे होंगे वो भी यहाँ से ड्रॉप होते चले जाएंगे। यार रील्स नहीं डालोगे तो लोग सोचेंगे कि यार ये तो एकदम अकाउंट बेकार है, तो यहाँ से क्या करेंगे उसको अनफॉलो कर देंगे। तो आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है यदि आप अपने अकाउंट को यहाँ से ग्रो करना चाहते हो, यहाँ से एक्टिव रहना चाहते हो। अब दोस्तों ये तो पता चल गया कि क्या क्या कमी होती है, रीज़न क्या क्या होते हैं रीच डाउन होने के। अब बात ये कर लेते कि भाई हमारी रीच कैसे बढ़ेगी। अभी तो फिलहाल पता चल गया डाउन होती है, पर इसको बढ़ाना कैसे है। तो सबसे पहले तो हमारा पॉइंट यही आ जाता है, आपको क्या करना है अपने अकाउंट में जैसे जैसे एक्टिव रहना है। यदि आप जॉब भी करते हो तो लगभग यहाँ से आप 1-1.5 घंटा तो गैर निकाल ही सकते हो। यदि आप इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हो, यहाँ से इंस्टाग्राम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो यहाँ से आपको एक रील्स तो डाल ही लेनी है। एक रील नहीं डाल सकते तो आपको अपनी क्या करना है, स्टोरी डालते रहना है, यानी कि 2-3 स्टोरी लगा सकते हैं यार, इसमें तो कोई यहाँ से टाइम नहीं लगता है। बस आपको क्या करना है, कोई भी रील्स लेनी है और यहाँ से स्टोरी पर जाके यहाँ से स्टोरी शेयर कर लेनी है। क्विज कर सकते हो, यानी कि जितना हो सके अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहना है, यानी कि ऑडियंस के साथ आपको जितना कनेक्ट करोगे स्टोरी के थ्रू चाहे रील्स के थ्रू, आपको क्या करना है बस इस कनेक्ट रहना है, जिससे आपकी जो भी रील्स जाए वो लगभग यहाँ से आपके फॉलोअर्स तो देखें, जो आपके फॉलोअर्स भी देखें वो अदर फॉलोअर के पास भी पहुँचाए, यानी कि जो नॉन पर्सन है आपके अकाउंट में विजिट करेंगे, आपको लगा कि यार यहाँ से रील्स पे अच्छी बना रहा है, यहाँ से एक्टिव भी है, तो यहाँ से आपको फॉलो जरूर करके जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ से आप अपने अकाउंट की जो रीच होती है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड यह है कि यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी रील्स को यहाँ से टाइम पर अपलोड करना है, यानी कि आप अपने अकाउंट की जो रील्स होती है वो लगभग यहाँ से आप कोई भी टाइम पर अपलोड करते हो, सुबह कर देते हो, शाम कर देते हो, दोपहर कर देते हो, आपको क्या करना है अपने एक यहाँ से टाइम सेट कर लेना है, कि आपको माइंड में सेट कर लेना है कि यार मुझको इस टाइम पर इस रील्स अपलोड करनी है। पूरे दिन में यहाँ से आप एडिट वगैरह सब करके शाम को अपलोड कर देना 7-8 के बीच में, तो डेफिनेटली आप अपने अकाउंट की जो रीच होती है वो 100% बूस्ट कर दोगे। आप करते हो कोई भी टाइम पर रील अपलोड करते हो, जिससे कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये रील्स किस टाइम पर अपलोड होती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक टाइम सेट कर लेना है, जब भी यहाँ से आप रील्स अपलोड करोगे तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एकदम से वर्क करना स्टार्ट कर देगा और लोगों के पास आपकी रील्स रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ से आप अपने अकाउंट की रीच होती है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और जो भी आपके मेन रीज़न है इंस्टाग्राम की रीच डाउन होने के, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो सुन ली और हेल्प जरूर सी भी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक्स एंड टिप्स के साथ। टेक केयर एंड बाय।